नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली में वैसे ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पहले ही मुसीबतों में घिरे हैं। दिल्ली में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये बहुत बड़ी अब मिस्ट्री है, मगर इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए अब एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर यह होता है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की किसी भी कंडीशन में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके 10 से ज्यादा विधायक इस समय बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी में इस समय बहुत बड़ा टूट का खतरा मंडरा रहा है। पहले ही अरविंद केजरीवाल के खासम खास और आम आदमी पार्टी की ओर दिल्ली सरकार के वो मंत्री जो एक बहुत अच्छी छवि रखते थे, कैलाश गहलोत, वो पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यह बहुत बड़ा झटका था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। मगर अब जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है अगर ये कंफर्म होता है, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं कैसे, सूत्रों के हवाले से खबर है ये, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं और वैसे ही अरविंद केजरीवाल काफी नए चेहरों को तवज्जो दे रहे हैं। जैसे बीजेपी से जो आ रहे हैं उनको तवज्जो दे रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनके अपने ही लोग काफी नाराज बैठे हैं और इसी का खामियाजा आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार भुगतने जा रही है। दिल्ली में सरकार बनेगी यह चांस कम लग रहे हैं, सीट कितनी गिरेंगी यह भी देखने वाली बात है, मगर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत है। दिल्ली में वो 10 विधायक जिसमें से कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा नाम सौरभ भारद्वाज, हालांकि अभी वो आम आदमी पार्टी में है, ऐसा कहीं उन्होंने कहीं पे भी कोई बयान नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। इसी के साथ साथ बुराड़ी के विधायक संजीव झा, इनकी तो खबरें भी उड़ने लगी हैं। बुराड़ी से लगातार सोशल मीडिया पे खबरें उड़ रही हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, लोग गॉसिप कर रहे हैं कि संजीव झा बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के साथ छोड़ सकते हैं और वो बीजेपी में जा सकते हैं। इसकी अटकलें बहुत लंबे समय से लगाई जा रही थी। ऐसे ही दिलीप पांडे का भी नाम आ रहा है, वो भी बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं से। हालांकि यह सिर्फ गॉसिप है, यह सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से खबर है, इसको हम और हमारा चैनल कंफर्म नहीं करता, मगर अगर ऐसा होता है जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने आपको जानकारी दी है वो सारी चीजें हकीकत में आपके सामने आई है और सूत्र ही होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं, नाम तो हम किसी का भी ओपन नहीं कर सकते, मगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत दिल्ली में मुंह बाई खड़ी है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, दिल्ली में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी तो कितनी सीटें आएंगी, क्या पहले ऐसा करिश्मा अब आम आदमी पार्टी दोहरा पाएगी, यह बहुत बड़े सवाल है। इसके साथ साथ हालांकि इलेक्शन का समय है, चुनाव की इस समय तैयारियां चल रही हैं, हर पार्टी में ये रहेगा कि बीजेपी से में कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी में आएंगे, यह सब उठापटक चलती रहेगी। जिसको टिकट नहीं मिलेगी, जिसकी दावेदारी कमजोर लगेगी या जिसको लगेगा कि पार्टी में उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो दूसरी पार्टी का रुख करेगा, यह तो आम हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में और हो भी रहा है। कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, यह तो चलेगा, मगर जो बड़े बड़े दिग्गज इस समय के सिटिंग मंत्री विधायक अगर आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए, और साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी अब खतरा मंडराने लगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज अगर जाते हैं तो सरकार बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, लोग सवाल तो पूछेंगे। वैसे ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब से वो जेल से आए हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि जब से वो जेल से आए हैं ऊट पटांग फैसले कर रहे हैं और किसी को भी शामिल करके, जिस बीजेपी को गाली देते थे उसी बीजेपी के मंत्री नेता और विधायकों को शामिल कर रहे हैं और उनको अब कह रहे हैं कि ये पाक साफ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिनको वो गाली दिया करते थे, और इसको लेके उनके ही लोग नाराज चल रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर इस समय दिल्ली के लिए है कि आम आदमी पार्टी इस समय टूट की कगार पे है और अगर उसके 10 से 11 नेता विधायक मंत्री बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, और आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। एन भारत टीवी दिल्ली।